लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार के साथ ही चंद्रबाबू नायडू भी सुर्खियों में छाए हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ मिलकर बंपर जीत हासिल की है। हालांकि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने 16 लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल की है। दरअसल बीजेपी ने 240 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं एनडीए को 292 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली है। एनडीए की 292 सीटों में से 12 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जीती है, तो वहीं टीडीपी 16 लोकसभा सीटों के साथ एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस वजह से भी चंद्रबाबू नायडू देश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। चंद्रबाबू नायडू को लेकर विपक्षी दल भी आस लगाए बैठे हैं कि बीजेपी का साथ छोड़कर वो विपक्षी खेमे में आ जाएंगे। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू का जन्म 20 अप्रैल 1950 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव नारावरी पल्ले में हुआ था। वहीं चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक सफर साल 1970 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव जीता था। इसके बाद नायडू युवा कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि बाद में वो आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी तेलुगु देशम ज्वाइन कर लिए थे। इस दौरान उन्होंने मशहूर फिल्म अभिनेता और टीडीपी के संस्थापक एनटी रामा राव की बेटी भुवनेश्वरी से शादी कर ली। इस शादी ने भी उस वक्त जमकर सुर्खियां बटोरी थी। साल 1978 में चंद्रबाबू नायडू पहली बार आंध्र प्रदेश में विधायक बने। इस दौरान धीरे धीरे उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता चला गया और वो मंत्री भी रहे। हालांकि साल 1995 में नायडू अपने ससुर एनटी रामा राव की राजनीतिक तख्ता पलटकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वो साल 1999 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और साल 2004 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि इसके बाद वो करीब 10 साल तक आंध्र की सत्ता से बाहर रहे, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जोरदार वापसी की और तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2019 जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से करारी हार के बाद टीडीपी सत्ता से बाहर हो गए। चंद्रबाबू नायडू के बीजेपी से काफी खट्टे मीठे राजनीतिक रिश्ते रहे हैं। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मार्च 2018 में एनडीए का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद साल 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार ने उन्हें सियासी नेपथ्य में डाल दिया था। हालांकि इसी साल मार्च में चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से हाथ मिलाया और लोकसभा और विधानसभा चुनाव बीजेपी और जनसेना के साथ मिलकर लड़ा। एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि वो राजनीति के किंग के साथ किंग मेकर भी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।